कंसिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज ऑफ करेंसी, मतलब अगर तुम कोई एसेट एक्वायर्ड एनी एसेट इन अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम कंट्री आउटसाइड इंडिया, तुम इंडिया के बाहर से मशीन खरीदते हो तो बहुत बार होता है ना कि वो डॉलर पाउंड में आता है, वो मशीन डॉलर पाउंड में आता है। इन कंसिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर आफ्टर द एक्विजिशन सच ऑफ एसेट, एसेट एक्वायर करने के बाद डॉलर पाउंड का रेट बदल गया, देन इंक्रीज और रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द एसेसी, क्योंकि अब तक तुम पेमेंट नहीं किए हो एसेट का। ये हो सकता है ना, तुम एक एसेट खरीदे मान लो 1 अक्टूबर को $10,000 का, उस दिन डॉलर का रेट लेट से 70 रुपीज है, और अब जिस दिन तुम पेमेंट कर रहे हो लेट से 15 नवंबर को पेमेंट कर रहे हो और उस दिन का डॉलर का रेट 72 हो गया, तो तुमको तो 72 करके इंटू 10,000 7,20,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो 7,20,000, और लेकिन तुम खरीदे तब तो 7,00,000 वैल्यू था, एसेट एक्वायर किए तब 7,00,000 पेमेंट किए तो 7,20,000, या हो सकता था डॉलर का रेट 68 हो जाता तो 6,80,000 देना पड़ता। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ द एसेट होगा जिसके ऊपर डिप्री कैलकुलेट करने के। पॉइंट क्लियर सबको, लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं क्लियर हो तो बोलना दोबारा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड द होल और पार्ट ऑफ द, ये वो ज्ञान ये कि पेमेंट करते वक्त रेट बदल गया, फॉरेन करेंसी में हम पेमेंट कर रहे हैं एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो रेट बदल जाते, या लोन लिए थे और लोन का भी तो इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा अगर ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, ट्रीटमेंट में बोला था अमाउंट बाय विच सच लाइबिलिटी इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट एसेसी शैल बी एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, यानी जब तुम पे कर रहे हो उसका वैल्यू लिया जाएगा। सीधा लॉजिक यही है, अगर तुम पे कर रहे हो, पे करते वक्त अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है तो तुम्हारा एसेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ा है तुम्हारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और अगर डॉलर का वैल्यू घटा है तो तुम्हारा कॉस्ट भी उसी अकॉर्डिंगली घट जाएगा। तो पेमेंट जब कर रहे हैं उस वैल्यू के ऊपर डिप्री कैलकुलेट करने का बात कर, उस वैल्यू को कॉस्ट ऑफ द एसेट लेना। If such increase or decrease arise after depreciable asset is transferred, then such increase or decrease shall be adjusted in the WDV. However, if block is ceased to exist, then such amount shall be treated as capital received or expenditure. तो अगर बोल रहे हैं तुम डिप्रिसिएबल एसेट को बेच दी हो और बेचने के बाद तुम्हारा भी पेमेंट बाकी है, तुम खरीदे इस्तेमाल किए और बेच दिए, अब अगर डॉलर का रेट बदल रहा है तो क्या होगा, तो वो इंक्रीज और डिक्रीज को एसेट के WDV में एडजस्ट कर देंगे, और अगर कोई एसेट ही नहीं बचा है ब्लॉक में तो पूरा पेमेंट को, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करो एडिशनल पेमेंट, उसको कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आई रिपीट, नॉर्मली तुम एसेट यूज कर रहे हो तो जिस पेमेंट का वैल्यू है वो वैल्यू तुम्हारा एसेट का वैल्यू माना जाएगा और उसी पे डिप्री कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर एसेट ट्रांसफर कर दियो बट ब्लॉक में भी एसेट है तो फिर जो एसेट का वैल्यू डॉलर पाउंड का वैल्यू तुम जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जो तुम्हारा WDV बचा हुआ है उसमें माइनस करने के, एग्जांपल देते हैं मेरे पास 4 मशीन है, डॉलर इनटू रेट करके वो 8,00,000 वैल्यू आया, अब हम उसमें से एक मशीन बेच दिए, ये 4 में से 2 मशीन इस साल खरीदे, अब हम ईयर एंडिंग आ गया उसका एक WDV बचा है 2 मशीन का, लेट से 3,00,000 WDV बचा है, तो फिर क्या होगा, अब मान लो अब जो पेमेंट कर रहे हैं वो जो 2 मशीन खरीद के लाए थे उसमें से अभी भी पेमेंट बाकी है, EMI में पेमेंट हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, और डॉलर का रेट कम बेसी हो गया, तो मान लो डॉलर 20,000 घट गया तो WDV को 20,000 से माइनस कर लो तुम्हारा बचा हुआ WDV को, और अगर एसेट का भी बढ़ गया तो 20,000 ऐड कर लो WDV में,
लेकिन मान लो सर एसेट का ब्लॉक ही नेगेटिव है, एसेट ही नहीं बचा और अभी भी हम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम ईएमआई में एसेट लिए थे, हम ईएमआई चुका रहे हैं तो एसेट बेच चुके हैं और एसेट कुछ भी नहीं बचा बुक्स में, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है अगर कम पे करना पड़ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट क्या लाएगा, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या लाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बोला व्हेन द होल और एनी पार्ट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ एसेट इज मेट नॉट बाय द एसेसी बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अदर पर्सन द लायबिलिटी सो मेट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ये तो लॉजिकल बात था। ये जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है ये हम मशीन हम बेच दिया, अभी भी ईएमआई बाकी है और वो ईएमआई वो पेमेंट कर रहा है जो मेरे से मशीन लिया है, तो सर जी ये अपने बुक्स में नहीं होगा, ये उसके बुक्स में होगा, तो ऑब्वियस सा बात था ये अपने बुक्स में क्यों होगा। तो ये है आपका, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो वो अपने बुक्स में देखेगा, आप पेमेंट कर रहे हो एसेट बिक चुका ब्लॉक में लेकिन कुछ एसेट बचे हुए हैं आपके, तो WDV कम बेसी कर लेना और ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा है, सारा एसेट बिक गया, ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर अगर ज़्यादा पे कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना, कम पे कर रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट मान लेना। आई होप क्लियर है। ये इलस्ट्रेशन आप लोग करोगे और आज ही करोगे जो भी डेप्रिक इलस्ट्रेशन बचा है, ताकि नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ सको, साथ साथ चलोगे पीजीपीपी चैप्टर में, जहां तक पढ़ा दे रहे हैं वहां तक का इलस्ट्रेशन कर लोगे, पिछला चैप्टर में मत अटके रहो। पहले रूल यही बोलता है जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व होना चाहिए। अब बात आ रहा है टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। बोले एनी गेन बीइंग कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द ICDS मतलब डॉलर पाउंड में फॉरेन एक्सचेंज में अराइजिंग कोई भी टाइप का गेन, तुम गेन या लॉस तुमको अराइज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन के कारण, तो उसको इनकम या लॉस की तरह लेंगे। सच गेन और लॉस विल अराइज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, अगर वो मॉनिटरी आइटम है चाहे नॉन मॉनिटरी आइटम है, तुम उसको अपना डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा मानते हो, फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉरेन ऑपरेशन मानते हो, तुम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वही डॉलर पाउंड में तुम खेल रहे हो, बोलना ये चाह रहे, तुम अगर डॉलर पाउंड में खेल रहे हो तो उससे प्रॉफिट लॉस हो सकता है ना, डॉलर का भाव ऊपर गया तुम स्पेकुलेशन कर रहे हो, डॉलर का भाव नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उस हिसाब से तुम डॉलर पाउंड में प्ले कर रहे हो, तो आपको वहां पे उसको आपको कैपिटल गेन या लॉस मानना पड़ेगा, अगर गेन हुआ है तो कैपिटल गेन, लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस। तो तुम अगर डॉलर पाउंड में सिर्फ अप डाउन खेल रहे हो तो वो तुम्हारा कैपिटल गेन होगा, उसको एसेट की तरह नहीं ले रहे हो, तुम सिर्फ स्पेकुलेशन खेले, तुम मशीन बुक किए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, होता है ना हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मशीन बुक कर लिया, चार साल बाद मशीन, तीन चार महीना बाद मशीन खरीदना है हमको, सुनो ढंग से ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला बात, मान लो चार महीना बाद हमको मशीन खरीदना है, हम आज ही डॉलर पाउंड बुकिंग कर लिया, हम आज ही डॉलर पाउंड बुकिंग कर लिया ताकि हमको उस समय ज़्यादा पे ना करना पड़े, यही तो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये पता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यस नो लिखना इसके ऊपर एक बात, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पता है, हम आज ही बैठे बैठे चार महीना बाद डॉलर का जो भी रेट हो हम आज ही डॉलर का रेट फिक्स कर लिया और उसी रेट पे पेमेंट करेगा चार महीना बाद। अंकिता ये पता है आपको, अंकिता हम पूछ रहे हैं आपको ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये सब पता है क्या होता है शेयर मार्केट में डॉलर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, होता क्या है सुनो, मेरे को पता है कि मेरे को चार महीना बाद एक मशीन का पेमेंट करना है डॉलर 10,000, आज के दिन, आज कितना तारीख है 10 सितंबर,
आज है 10 सितंबर मान लो, तो 10 सितंबर के दिन हमको पता है डॉलर का रेट आज 72 चल रहा है, हमको आज ही के दिन 4 महीना बाद यानी 10 अक्टूबर 10 नवंबर 10 दिसंबर 10 जनवरी, तो 10 जनवरी के दिन हमको पेमेंट करना है। हमको आज ही के दिन पता रहेगा 10 जनवरी का फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 10 जनवरी का फॉरवर्ड रेट पता रहता है। लेट से उस समय 74 चल रहा है, मेरे को लग रहा है ये तो और ऊपर भागेगा, मेरे को लग रहा है 74 नहीं, जब एक्चुअली में 10 जनवरी आएगा उस दिन डॉलर का रेट कुछ 78 के आसपास होना होगा, मेरे को डाउट है। तो अगर उस दिन आज हम कोई एग्रीमेंट नहीं करें और उस दिन 78 में बेचने डॉलर खरीद के पेमेंट करने जाएं, मेरे को 7,80,000 देना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या किया, हम आज ही डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया, हम बैंक के साथ या जो लोग फॉरेन करेंसी में डील करता है उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम तुमसे 10 जनवरी को डॉलर 74 रुपीज में खरीदेगा, भले उस दिन कोई भी मार्केट वैल्यू। अब अगर उस दिन मार्केट 7.78 हुआ, मेरा तो फायदा हो गया ना, हमको तो 7,40,000 ही देना पड़ेगा 74 के हिसाब से। अब मेरा बात क्लियर है अंकिता, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वाला जो एग्रीमेंट होता है, तो अब मेरा फायदा हो गया ना 40,000 का, इसको हम गेन मान के, बिजनेस गेन, कैपिटल गेन गलत बोल गया, इसको बिजनेस गेन मान के बुक करेंगे, इसको बिजनेस गेन मान के बुक करेंगे। और यही अगर मान लो उस दिन डॉलर का वैल्यू 78 नहीं जाके 72 रह जाता, तो मेरे को 20,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि हमको तो 7,40,000 देना पड़े, हमको तो 74 में डॉलर लेना पड़ेगा, मतलब हमको तो 7,40,000 रुपया देना पड़ेगा, जबकि अगर हम उस दिन डील नहीं किया होता तो हमको 7,20,000 में डॉलर मिल जाता, तो यहाँ 20,000 का लॉस हो रहा है, ये बिजनेस लॉस क्या लाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में खेलते हैं ये एसेट का वैल्यू अप डाउन नहीं करेगा, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बुकिंग हो रहा है ये एसेट का वैल्यू अप डाउन नहीं करेगा, ये मेरा बिजनेस गेन या बिजनेस लॉस कहलाएगा। अगला टॉपिक है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सर ये क्या होता है, देखो तुम लोग एक चीज जानते हो कि पीएल बनाते हो, यहां मान लो मेरा जीपी आया, यहां बहुत सारे एक्सपेंडिचर आएगा जिसमें से एक डेप्री भी होता है और फिर मेरा नेट प्रॉफिट आता है, लेकिन मान लो डेप्री माइनस करने के पहले ही मेरा नेट लॉस आ रहा है, मान लो मेरा जीपी 8,00,000 और ये सब अदर एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम डेप्री बाकी सब एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मेरा आ रहा है 9,00,000, मान लो डेप्री भी है 2,00,000 का, तो डेप्री माइनस करने के पहले तो मेरा लॉस आ गया है ना, डेप्री माइनस करने के पहले ही मेरा लॉस आ गया। अकाउंट्स बोलता है ये डेप्री भी माइनस कर लो, तो 8,00,000 माइनस 11,00,000 3,00,000 का लॉस बुक कर लो, 3,00,000 का नेट लॉस बुक कर लो, अकाउंट्स तो यही बोलता है, पर इनकम टैक्स बोलता है ना ये जो 2,00,000 का डेप्री है इसको अनअब्सॉर्ब डेप्री बोल के लिख के रखो, क्योंकि बाकी लॉस बिजनेस का जो 1,00,000 का लॉस हुआ वो तो 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, थोड़ा बहुत सेटअप कैरी फॉरवर्ड ध्यान है, बाकी हम वीडियो बना के देंगे इस सप्ताह के अंदर, इस सप्ताह में हम बाकी चैप्टर का वीडियो बना देगा जो चैप्टर हम बोला था पहले, बट फिलहाल इतना तो बताइए कि बिजनेस लॉस 8 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये जो 1,00,000 का लॉस है बिजनेस 8,00,000 माइनस 9,00,000 ये 1,00,000 मेरा 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, तो सर ये जो 2,00,000 का डेप्री का खर्चा हुआ इसका क्या होगा, बेटा ये तो अनलिमिटेड ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है इन्फिनिट, इसका कोई 8 साल 4 साल का रूल नहीं है कैरी फॉरवर्ड का, अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड होता है। इनकम टैक्स अकाउंट बोलता है मत करो कुछ ड्रामा, सीधा सीधे 3,00,000 का लॉस लिख लो, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है नहीं, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो जब कंप्यूटेशन बनाते हो अपना, तो 1,00,000 को बिजनेस लॉस दिखाना है, 2,00,000 को है ना तो डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड दिखाना, और वो कितना ही साल तक कैरी फॉरवर्ड कर पाओ, तो यहाँ पे यही बोला डेप्रिसिएशन कुड नॉट बी फुल्ली डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ करेंट ईयर। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता था ये एक्सपेंडिचर आपका 7,00,000 आ रहा है
तो 8 लाख माइनस 7 लाख 1 लाख का तो बिजनेस गेन आ रहा है, तब क्या करें? अरे नहीं, तब तो डेप्री माइनस करोगे, बट सर डेप्री तो 2 लाख है, डेप्री माइनस करें तो 1 लाख का लॉस आ जाए। तो इनकम टैक्स बोलता ही है पहले 1 लाख का डेप्री को नॉर्मल प्रॉफिट से एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट 0 हो गया, अभी भी 1 लाख का डेप्री बच गया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। ये वाला बात सबको क्लियर है? जो भी हम सेकेंड एग्जाम्पल बोला, पहला एग्जाम्पल में था कि डेप्री माइनस किए भी नहीं लॉस था, तब तो पूरा ही डेप्री कैरी फॉरवर्ड कर लो। सेकेंड वाला एग्जाम्पल में मेरा 8 लाख जीपी है, 7 लाख नॉर्मल खर्चा है, तो 1 लाख का नेट प्रॉफिट आ रहा है, बट डेप्री 2 लाख है, तो 1 लाख का डेप्री यही एडजस्ट कर लो, करेंट ईयर का डेप्री करेंट ईयर के लॉस करेंट ईयर के एक्सपेंडिचर के साथ। अब 1 लाख का जो डेप्री बच गया वो अनअब्सॉर्ब डेप्री कहलाएगा और वो अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड होगा। आई होप ये बात दोनों को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बोल रहा है उसका क्या करना है, तो वही तो बताया कि अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा इन्फिनिटी तक। तो डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी फुली डिडक्टेड फ्रॉम पीजीबीपी ऑफ करेंट ईयर ड्यू टू इनसफिशियंट प्रॉफिट इज टर्म्ड एज अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। उसका पहले मीनिंग बताया। ट्रीटमेंट क्या है? कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी इनकम अंडर एनी अदर हेड, दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ कर लो, किसको छोड़ के कैजुअल इनकम के साथ सेट ऑफ मत करना और सैलरी के साथ सेट ऑफ मत करना, क्योंकि नॉर्मल पीजीबीपी का एक्सपेंडिचर या लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, और कैजुअल इनकम के साथ तो किसी का भी एडजस्टमेंट नहीं होता, उस पर तो पूरा टैक्स देना पड़ता है लॉटरी इनकम वगैरह पे। तो उनके छोड़ के बाकी किसी के साथ एडजस्ट कर लो, और वो एडजस्ट होने का भी जगह नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड कर लो कितने साल तक, अनलिमिटेड ईयर तक। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड करो तब भी ध्यान रखना कि वो कैजुअल इनकम और सैलरी से एडजस्ट नहीं हो आने वाला साल में, बाकी कहीं भी एडजस्ट कर लो। तुम्हारा सेम बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी हो रहा है तो दूसरा कोई बिजनेस है उससे भी एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर है? कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स। अब बाकी फालतू पॉइंट हो गया। एक बात और है, आप लोग याद है जब डिफरेंट चैप्टर पढ़ते हो अकाउंट्स में तो दो मेथड पढ़ते हो, एक विदाउट प्रोविजन एक विद प्रोविजन, याद है ये बात? ये डेप्री का प्रोविजन क्या होता है? आप लोग कैश फ्लो चैप्टर भी पढ़े हो जब 11-12 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा बहुत, चंद्रलेखा नहीं पढ़े हो आप अभी तक ग्रेजुएशन में, अंकिता आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो और 11-12 में भी पढ़े हो, चंद्रलेखा आप 12 में पढ़े हो, याद है? कभी कभी होता था कि एसेट का वैल्यू अलग से दे रहा है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, और आपको प्रोविजन फॉर डेप्री अलग से दे रहे हैं। क्या होता था ये प्रोविजन बड़े भी? सर हम लोग एसेट का वैल्यू को सेपरेटली हर बार देखना चाहते, एवरी ईयर का डेप्री को प्रोविजन फॉर डेप्री में डाल के रखते हैं, और जब वो एसेट बिकेगा तब उस एसेट का जितना डेप्री का प्रोविजन बनाया हुआ है वही एडजस्ट होगा, बाकी पूरा डेप्री एसेट से माइनस नहीं होगा, याद है ये बात? तो यहाँ पर यही बोला है कि फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इफ ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 32 आर सेटिस्फाइड डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल वेदर द एसेसी हैज क्लेम द सेम और नॉट। माने यहाँ बोलना चाहता है कि तुम प्रोविजन फॉर डेप्री बनाओ या मत बनाओ, तुमको डेप्री माइनस करने का हक सब बिजनेसमैन को है, इनकम टैक्स को मतलब नहीं। हम तुमको केवल एक बैकग्राउंड दे रहा था कि प्रोविजन फॉर डेप्री क्या होता है। इनकम टैक्स बोलता है कि तुम डेप्री का प्रोविजन बनाए हो या नहीं बनाए हो, तुमको डिप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर, अगर तुम सेक्शन 32 का बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, डिप्री वाला कंडीशन, सेक्शन 32 माने डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो रूल अगर फॉलो कर रहे हो सारा का सारा, तो तुमको डिप्री क्लेम करने मिलेगा, चाहे तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिप्री दिखाए हो या नहीं दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप ये क्लियर है। ये कोई ज्ञान बात, ये काम वाला बात नहीं था, बट ज्ञान वाला बात। डिप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन डिमर्जर एंड सक्सेशन। मेरा बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ अमालगमेट हो गया, मेरा बिजनेस को दो टुकड़ा में बांट दिए, मेरा बिजनेस को कोई और बिजनेस खरीद लिए, तीन बात बोल रहा है। मेरा बिजनेस किसी बिजनेस में मर्ज हो गया, मेरा बिजनेस का दो बंटवारा हो गया डिमर्जर, और मेरा बिजनेस को कोई और सक्सीड कर लिया मैंने खरीद लिया। सर जितना डिप्री आप क्लेम कर लियो अब तक
उसके रिमेनिंग डेप्री वो वाला बिजनेस क्लेम कर पाएगा उस एसेट के ऊपर जो आपके बिजनेस को एक्वायर किए। तो चाहे अमलगमेशन हो, चाहे डिमर्जर हो, चाहे सक्सेशन हो, डेप्रिसिएशन शैल बी अपोर्शन। जितना तुम यूज कर लियो वो माइनस करके बैलेंस अमलगमेटेड कंपनी या जो डिमर्जर के बाद नया कंपनी बन रहा है या जो मेरी कंपनी को खरीदा है उनको मिल जाए। लेकिन सर अगर ये मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन हुआ है तो मान लो 1 अगस्त को मेरा बिजनेस का अमलगमेशन मर्जर या डिमर्जर हुए तो अप्रैल मई जून जुलाई यानी अप्रैल टू जुलाई 4 महीना बिजनेस कौन चला? अप्रैल मई जून जुलाई नीरज लिमिटेड वो बिजनेस को कर रहा था। अब मान लो अंकिता एंड चंद्रलेखा लिमिटेड ANC लिमिटेड नाम का कंपनी खोलो आप लोग, मेरा बिजनेस आप में मर्जर हो गया या आप मेरे बिजनेस को सक्सीड कर लिए खरीद लिए, हम एक बार डिमर्जर का बात नहीं कर रहे, मेरा बिजनेस आपके बिजनेस में मर्ज हो गया या मेरे बिजनेस को आप खरीद लिए, तो 4 महीना का डेप्री तो हम क्लेम करेगा, रिमेनिंग 8 महीना का डेप्री आप क्लेम कर लें। और डिमर्जर क्या हुआ? एक बिजनेस का 2 टुकड़ा हो गया। 1 अगस्त को एक बिजनेस 2 बिजनेस में बट गया। मान लो ANC एक लिमिटेड था, अब बन गया N लिमिटेड अलग और ANC लिमिटेड अलग। तो 4 महीना तक तो ये बिजनेस जो एक साथ था वो डेप्री को यूज करेगा, 4 महीना का डेप्री वो लोग क्लेम करेगा, रिमेनिंग 8 महीने का डेप्री दोनों में बंटवारा हो जाए। आई होप ये बात क्लियर है। ये सब उतना बड़ा बड़ा बात नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस का ही तो बात है। जो जितना दिन एसेट को यूज किया उसी को उतना डेप्री क्लेम करने मिलेगा, ये तो बचपन से पढ़ते आने वाला बात है, इसमें कोई नया बात नहीं है सर। ये भी टॉपिक खत्म, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन्हीं के ऊपर इलस्ट्रेशन है, करना नहीं आएगा हमको बोलना, हम इलस्ट्रेशन का PDF बना के वीडियो बना के दे देगा। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग कभी भी बीकॉम लेवल पे नहीं पढ़ते, डिप्री खत्म, डिप्री खत्म। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग कभी 11-12 लेवल पे नहीं पढ़े, स्पेशल डिडक्शन फॉर SEC इंगेज इन टी कॉफी और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप टी कॉफी रबर इनको ग्रो कर रहे हो मतलब खेत में उगा रहे हो एंड उनको आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आगे यानी प्रोसेसिंग भी कर रहे हो। इन बिजनेस के लिए गवर्नमेंट बोला हम लोग आपको कैसे आपका एक्सपेंडिचर का क्लेम करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके लिए कुछ प्रोविजन बना के दे रहे हैं। तो खाली टी कॉफी रबर के लिए बोला, तो ये अलग से एक पॉइंट है टी कॉफी रबर के लिए। क्या बोला? ऑल SEC कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। आप दोनों कर रहे हो तब बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ ग्रो कर रहे हो तो क्या होगा बोलो? हम टी कॉफी रबर खाली उगाता है तो क्या होगा? उसका कोई PGBP ट्रीटमेंट पढ़ना है क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है, तो सिर्फ ग्रो कर रहे हैं तो वो एग्रो इनकम है, तो उस पर तो वैसे भी टैक्स नहीं आएगा। लेकिन सर आप खाली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो तब तो नॉर्मल पूरा बिजनेस इनकम क्या लाएगा? वहां भी कोई झमेला होने का दरकार नहीं, क्योंकि तुम कोई और उगाता है, तुम उससे खरीद के लाते हो और उसको आगे प्रोसेसिंग करते हो। तुम्हारा काम चाय पत्ती उगाना नहीं है, कॉफी उगाना नहीं है, रबर उगाना नहीं है, तुम खाली प्रोसेसिंग का काम करते हो, तब भी सर कोई मतलब नहीं है। फुल इनकम बिजनेस इनकम क्या लाएगा? फुल एक्सपेंडिचर बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या लाएगा? और अगर तुम खाली ग्रो करते हो तो इनकम एग्जम्प्टेड है तो उसका एक्सपेंडिचर भी एग्जम्प्टेड है, बात खत्म। लेकिन सर हम दोनों एक्टिविटी करते हैं, याद है ना एग्रो इनकम बढ़े थे 60-40 का एग्रो इनकम हो जाता है टी के केस में, रबर के केस में इनकम कितना बटेगा? 65-35। और कॉफी के केस में एक केस में 60-40, एक केस में 75-25, याद है ये बात? याद है दोनों को? तो यहां पर क्या होगा सर? यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर का भी बात करना पड़ेगा। फिर तो देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर आप ये 3 एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिनका काम है ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करना, सिर्फ ग्रोइंग नहीं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बोथ एंड है दोनों के बीच में, और आप डिपॉजिट करते हो एक अमाउंट कहाँ पे? नबार्ड के स्पेशल अकाउंट में।
नवाड के एक अलग से अकाउंट में आप ये पैसा जमा कर, या फिर कोई टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड है वहां जमा कर। तो कहां ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, नबार्ड या इनके पर्टिकुलर खुद के बोर्ड में, या कोई इनका स्पेसिफाइड स्कीम है, यही बोर्ड कोई स्कीम बताए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेकर। तो तीन जगह डिपॉजिट का बात करें, नबार्ड में, इनके खुद के कोई बोर्ड में, या इनका बोर्ड अगर कोई स्कीम अप्रूव किया है वहां पर ये पैसा आप लगा दें। कब? मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, विच एवर इज अर्लियर। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, तुम्हारा प्रीवियस ईयर 23-24 है अगर, तो 6 महीना कब खत्म होगा, 30 सितंबर 2024, उसके अंदर अंदर, या फिर तुमको जिस दिन रिटर्न फाइल करना है उस डेट के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर। रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या होता है, जिनका ऑडिट नहीं होना है या जो कंपनी नहीं है उनके लिए 31 जुलाई, जिनका ऑडिट होना है या जो कंपनी है उनका 31 अक्टूबर। तो या तो रिटर्न फाइलिंग के डेट के पहले या प्रीवियस ईयर के एंड होने के 6 मंथ के अंदर अंदर, अगर तुम ये पैसा नबार्ड में, इन तीनों के खुद के बोर्ड के स्कीम में, या कोई और स्कीम जिसको ये बोर्ड अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल से, वहां पर जमा कर दे, और तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट हुआ और फॉर्म 3AC वो चार्टर्ड अपलोड करेगा 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 3AC एक फॉर्म है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपलोड करता है, तो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होगा। तुम अगर ये तीन बिजनेस के ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हो और ये पैसा इन स्कीमों में डाले हो 6 महीने के अंदर या रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के अंदर, विचएवर इज अर्लियर के अंदर, तो तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो तुम्हारा ऑडिट करेगा वो 3AC का एक फॉर्म अपलोड करेगा रिटर्न फाइलिंग के 1 महीना पहले पहले। तो फिर ये पैसा जो तुम्हारा जमा हुआ है उसका तुमको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? अमाउंट सो डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द PGBP कंप्यूटेड अंडर द हेड PGBP इनकम, विच एवर इज लोअर। सर 40 मिलना था, क्योंकि वैसे भी 60% तो आप एग्रो इनकम मान ही लेते हो, तो गवर्नमेंट तुमको कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दिया है, ठीक बात? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार यस नो लिख दो, एक बार यस नो लिख दो अगर ये पॉइंट पूरा क्लियर है, क्योंकि अलग पॉइंट था आप लोग कभी नहीं पढ़े हो पहले, ठीक है? चलो सर, अगर हम ज्यादा डिपॉजिट कर दें तो क्या होगा? अरे बेटा चिंता मत करो, एनी एक्साइज डिपॉजिट मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट मेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, कोई छूट नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, कोई छूट नहीं मिलेगा, मतलब इतना ही छूट मिलेगा, एक्सेस डिपॉजिट को भूल जाओ। अरे बेटा भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बाकी 60% इनकम अगर एग्रो इनकम माना है और जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, 40% ही तो नॉन एग्रो इनकम मानते हैं, तो उस 40% का ही तुमको छूट भी मिल सकता है खर्चे में या डिपॉजिट। अच्छा एक बात और, वो जो पैसा वहाँ स्कीम में डाले हो वो धीरे धीरे विड्रॉ भी तो करोगे और कोई पर्पस के लिए यूटिलाइज करोगे, तो क्या पर्पस के लिए यूटिलाइज करोगे? तो तुमको उसका छूट कंटिन्यू रहेगा, उस पैसे से कोई प्लांट या मशीनरी खरीदे हो, हाँ वो प्लांट या मशीनरी ऑफिस के लिए हो, घर के लिए हो, या कोई भी नेचर को, सॉरी नो डिडक्शन। अगर नो डिडक्शन ये पैसा यूटिलाइज करते हो बिजनेस के लिए तो ही छूट मिलेगा, ये जो पैसा स्कीम में डाले हो वापस बिजनेस में लगाना पड़ेगा निकाल के, और अगर इससे कोई मशीन खरीदते हो फैक्ट्री का तो छूट मिल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री के अलावा कोई ऑफिस का, कोई घर का या कोई गेस्ट हाउस के लिए कोई मशीन खरीदते हो तो छूट नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस
कंप्यूटर खरीदोगे तो छूट मिल जाएगा, कंप्यूटर छोड़ के कोई भी और ऑफिस अप्लायंस खरीद रहे हो छूट नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ एनी प्लांट में एंटायर कॉस्ट विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन एनी डिप्रिसिएबल। अच्छा, पिछला साल उसको पूरा डिप्री क्लेम कर लियो तो छूट नहीं मिलेगा। अरे जब एसेट ही जीरो हो गया डिप्री यूज करके तो फिर काहे का छूट। तो सिंपल रूल बोल रहा है, पैसे से बिजनेस के लिए मशीन खरीदो तो छूट मिलेगा, और ऑफिस के कंप्यूटर लोगे तो छूट मिल जाएगा। यहाँ पे सीधा बात बोला, बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदो या कोई अप्लायंस खरीदते हो अदर देन कंप्यूटर तो छूट मिल, कंप्यूटर लेते हो तो छूट मिल जाएगा, और फैक्ट्री के लिए लेते हो तो छूट मिल जाएगा मशीन, बाकी कोई पर्पस के लिए कुछ भी खरीदो छूट नहीं मिलेगा। और अगर उस एसेट का पूरा डेप्रिसिएशन एंटायर डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है अब छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मिस यूटिलाइज हुआ तो जितना छूट मिला था पूरा वापस बिजनेस इनकम के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा, जितना अमाउंट मिस यूटिलाइज करते हो। आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा सर, ये बिजनेस अगर हम बंद कर रहे हैं तो जितना अमाउंट बच गया जो तुम यूज नहीं किए और उसके पहले बिजनेस बंद कर देते हो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे फिर वो, हाँ अगर टैक्स पेयर मर गया तो नॉट टैक्सेबल, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया है नॉट टैक्सेबल, कंपनी लिक्विडेट हो गया है नॉट टैक्सेबल। लेकिन तुम नॉर्मली खुद से बिजनेस बंद करते हो या फर्म का डिसोल्यूशन करते हो तो जितना अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया उस स्कीम में वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। और यहाँ कुछ ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है। एक बहुत छोटा सा बात बोला है, डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसेबल, डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसेबल। कोई एक चीज का तुम एक ही जगह छूट ले सकते हो। वेर एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एसएससी इन एनी स्पेशल अकाउंट is utilized by the SSC for the purpose of any expenditure in connection with such business, then expenditure shall not be allowed in computing the income chargeable under PGBP. कोई और एड में फिर उसका छूट नहीं ले सकते। सीधा बात, अगर कोई एक स्कीम में छूट ले लियो तो दूसरा स्कीम में कहीं और उसका छूट नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल पॉइंट था, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने लायक पॉइंट नहीं है। जो स्कीम में नया एसेट खरीदोगे ना, जिस स्कीम में नया एसेट खरीदोगे अगर उसको बीच में 8 साल तक यूज किए बिना बेच देते हो, अगर उसको 8 साल तक यूज किए बिना बेच देते हो तो फिर से वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये छूट एक ही कंडीशन पे दे रहा है, इन स्कीम में पैसा डालो और इससे पैसा विड्रॉ करके फैक्ट्री के लिए प्लांट मशीन या ऑफिस के लिए कंप्यूटर ले रहे हो तो ये छूट मिल रहा है, और 8 साल तक ये पैसा उसी पर्पज में फिर यूज होगा। अगर बीच में वो ऐसे बेच देते हो तो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अगर ये पैसा, अगर ये ऐसे किसको बेच रहे हो, अगर गवर्नमेंट को या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेच रहे हो तो ठीक है, दे देंगे। तो या तुम्हारा फर्म दूसरे बिजनेस में मर्ज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है ये एसेट उसी को जाएगा, तो वो तो क्लेम कर ही पाएगा, तब फिर वापस टैक्सेबल नहीं होगा। तो दो ही पॉइंट में नॉट टैक्सेबल बोला, नंबर वन गवर्नमेंट अथॉरिटी को बेच देते हो 8 साल के पहले नया वाला एसेट जो स्कीम में से पैसा से यूज करके निकाले हो तो नहीं दोबारा टैक्सेबल होगा, या फिर तुम्हारा बिजनेस किसी और बिजनेस में मर्ज हो रहा है और तुम्हारा सारा एसेट लाइबिलिटी उसका हो गया तो ऑब्वियस सा बात है वहां भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो जानते ही हो टैक्स इनकम कैसे आता है, टी के ऊपर 40%, कॉफी और ग्रोइंग के ऊपर 25 या 40, और रबर के ऊपर 35, क्योंकि बाकी इनकम को क्या मानते हो, एग्रो इनकम। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये नया टॉपिक था। चलो नेक्स्ट पे आते, एक और ऐसा टॉपिक जो तुम पहले नहीं पढ़ते हो,
मतलब नॉर्मल बीकॉम लेवल पे नहीं पढ़ाते. साइट रिस्टोरेशन फंड, अगर तुम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का काम कर रहे हो, उसको एक्सट्रैक्शन करते हो, प्रोडक्शन करते हो पेट्रोलियम नेचुरल गैस को, या दोनों करते हो और वो भी इंडिया में करते हो, तो ये छूट किसको दिया जा रहा है? जो लोग पेट्रोलियम नेचुरल गैस का काम करते हैं. क्या काम करते हैं सर? उसको निकालने का, जमीन से, या प्रोडक्शन का, या दोनों. उन लोगों को क्या छूट दिया? उनके पहले कंडीशन क्या रखा कि तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले इसका एग्रीमेंट करना पड़ेगा. सर ऑब्वियस बात है, ये विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट कोई हमको जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकालने देगा क्या? तो ये फालतू पॉइंट. यहाँ पे बोला तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट कियो और ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हो कहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशल अकाउंट में, या फिर कोई अकाउंट में. जो लोग साइट रिस्टोरेशन अकाउंट ही बोला जाता है उसको, मतलब ये वाला डिपार्टमेंट अप्रूव कर रहा है, या फिर कोई स्कीम में पैसा डालते हो जो कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां से कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा तुमको स्पेशल अकाउंट से. तुमको ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी उसी अकाउंट में जमा हो रहा है ना वापस, तो उसको भी डिपॉजिट मान लेंगे. तो तुम पैसा डाले 20 करोड़, उस 20 करोड़ पे मान लो 2 करोड़ का ब्याज आया, वो भी तो वहीं जमा हो गया, तब मान लेंगे तुम्हारा वहां 22 करोड़ डिपॉजिटेड. कब डिपॉजिट करना है? बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. यहाँ पे वो 6 महीना वाला कंडीशन नहीं है ऊपर की तरफ, प्रीवियस ईयर खत्म होने के पहले पहले, मतलब 31 मार्च 2024 के पहले पहले अगर मेरा प्रीवियस ईयर 23-24 है तो ये पैसा वहाँ डिपॉजिट कर दे रहे हैं. और मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हुआ है और ऑडिटर रिटर्न फाइलिंग 1 महीना पहले पहले उसका जो फॉर्म होता है वहाँ 3AC था या 3AD है वो जमा कर दिया. फॉर्म नंबर नहीं भी याद करोगे चले, सीधा बोलोगे ऑडिटर अपना रिपोर्ट फाइल कर दिया. तो तुमको कितना छूट मिलेगा? कितना तुम अमाउंट डिपॉजिट किए और 20% ऑफ द PGBP कंप्यूटेड अंडर द हेड, कितना तुम इस PGBP हेड में प्रॉफिट कैलकुलेट किए उसका मिनिमम लोअर ऑफ द फॉलोइंग तुमको छूट मिल जाए. वहाँ 40% मिल रहा था या 20% मिल रहा है बस. वहाँ था टी कॉफी रबर बोर्ड के कोई स्कीम में डाल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव स्कीम में डाल रहे हो पैसा. यहाँ भी बोल रहा है कोई स्पेशल अकाउंट खोल के SBI में डाल रहे हो पैसा, या फिर ये जो इनका जो बोर्ड है उनके अकाउंट में कोई स्कीम में पैसा डाल दे रहे हो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव स्कीम में पैसा डाल दे. तो जितना डाले हो वो, या तुम्हारा उस बिजनेस से जितना प्रॉफिट आया उसका 20% whichever इज लोअर उनको छूट मिल जाए. तो एक्स्ट्रा डिडक्शन दे रहा है बेटा गवर्नमेंट तुमको. हाँ कोई और एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट करोगे उसका छूट नहीं देंगे वो. पर भाई सेम कंडीशन, उसको यूज नहीं कर पाओगे कब कब? वो पैसा को नॉर्मल यूटिलाइज करो. अगेन वही चीज, तुम्हारे बिजनेस के मशीन के लिए या ऑफिस के कंप्यूटर के लिए, फैक्ट्री में मशीन के लिए या ऑफिस में कंप्यूटर के लिए उस पैसा को यूज कर सकते. और कोई पर्पज में यूज करोगे तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. सेम कहानी दिख, तो कुछ भी नया नहीं लिखा. सेम बात यहां पर भी, वो पैसा विड्रॉवल कर लेते हो, वो स्कीम में पैसा डाले बिना यूटिलाइज किए पड़ा रहा पैसा, या तुम विड्रॉ कर लिया और कोई पर्पज में लगा दिए तो जो डिडक्शन मिला वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा. जितना अमाउंट विड्रॉ किए माइनस जितना तुम स्कीम में यूज किए, जो डिफरेंस अमाउंट है वो ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा. वही ऊपर बोर्ड, वही ऊपर वाला कहानी. यहाँ भी बोला डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर इस स्कीम में छूट मिला है तो फिर और कहीं छूट नहीं मिलेगा इसका. वो एसेट को फिर यहाँ भी वही बोला 8 साल तक बेच नहीं पाओगे. जो एसेट जो खरीदे हो स्कीम का पैसा से विड्रॉ करके, वो एसेट 8 साल बेच नहीं पाओगे. बेचोगे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट फिर से टैक्सेबल हो जाएगी. किसको बेच सकते हो? टैक्सेबल नहीं होगा गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट बॉडी को बेचते हो तो, या फिर तुम्हारा बिजनेस कोई और बिजनेस में मर्जर एक्विजिशन हो रहा है तो तब टैक्सेबल नहीं होगा. अदरवाइज 8 साल बिना यूज किए वो ऐसे बेच दिए तो टैक्सेबल हो जाएगा. तो ये दोनों स्कीम का ही बात था, टी कॉफी रबर बोर्ड
या फिर साइट रिस्टोरेशन फंड पेट्रोलियम वाला बिजनेस के लिए, वहाँ 40% या 20% अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस, या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड 20% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस। अब उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? सर कोई फैक्ट्री का प्लान मशीनरी के लिए या ऑफिस अप्लायंसेज में कंप्यूटर के लिए, उसके अलावा कोई और पर्पज में लगाएंगे तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। नया वाला जो एसेट कह रहेंगे उसको 8 साल बेच नहीं सकते। स्कीम में जो पैसा पड़ा वो अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, और कोई और पर्पज के लिए यूटिलाइज कर लिए तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, नो डाउट। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज सर साइंटिफिक रिसर्च, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत काम का टॉपिक है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो होता है वो लोग साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस, कि चाहे एग्रीकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, फिशरी का हो, या फिर कोई और साइंटिफिक रिसर्च हो। सीधा सा बात है, तुम अपना बिजनेस में कोई साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हो तो वो रिसर्च का एक्सपेंडिचर का छूट कैसे मिलेगा? तो पहले बोला उस रिसर्च को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इन हाउस या रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। मतलब इन हाउस मतलब तुम खुद एक जगह लिए, वहाँ पे साइंटिस्ट लोग को बिठाए, उनको पूरा इक्विपमेंट दिए और बोले मेरे को रिसर्च करके दो, मेरे को कोविड का मेडिसिन बना के दो, हम कैसे और बेटर एग्रीकल्चर करें उसका रिसर्च करके दो, प्रोडक्ट को ख़राब होने से कैसे बचाएं। तो हम कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट का या प्रोसेस के डेवलपमेंट के कोई रिसर्च करवा रहे इन हाउस, रिसर्च डन बाय द एसएससी हिमसेल्फ इन कनेक्शन विद द बिजनेस। ऑब्वियस बात, अपना बिजनेस के लिए करवा रहे। अब बिजनेस मेरा मेडिसिन का है और हम रिसर्च करवा रहे हैं कि कलर पेंट कैसे होता है बेटर, तो वो कोई काम का बात नहीं है। या फिर रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, हम खुद नहीं बिठा रहे अपने यहाँ पे साइंटिस्ट लोग को, कोई आउटसाइड एजेंसी है जिसका काम ही है रिसर्च करना, उसको तुम दे दिए ये वर्क कि मेरे लिए रिसर्च करके, तो दोनों यहाँ पे कवर है। पहले बात किया लोग इन हाउस। अब इन हाउस में भी दो टाइप का खर्चा हो रहा है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो डे टू डे खर्चा, साइंटिस्ट लोग का सैलरी, साइंटिस्ट लोग का खाना पीना, वो जहाँ रिसर्च कर रहा है वहाँ का जगह का भाड़ा, ये सब का बात हो रहा है। तो जब एसएससी खुद रिसर्च करा रहे, एसएससी रिसर्च कैरीड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू हिज बिजनेस एंड इनकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर आर अलाउड, इसको स्टार लगा लो, एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी। जिस ईयर जितना रेवेन्यू खर्चा करोगे आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का बात कर रहे, बिजनेस चालू हो गया अभी भी रिसर्च पे खर्चा कर रहे हो, तब बिजनेस चालू हो गया है अभी भी रिसर्च और एक्सटेंसिव रिसर्च करवा रहे हो तो वो खर्चा अगर रेवेन्यू नेचर का है तो जिस ईयर जितना खर्चा करोगे फुल्ली अलाउड हो जाएगा एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। लेकिन सर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस भी तो रेवेन्यू खर्चा होता है, हम प्रोडक्ट पहले डेवलप करेंगे तब तो बिजनेस चालू करेंगे, तो प्रोडक्ट डेवलप करते वक्त साइंटिस्ट लोग का सैलरी, उनका खाना पीना, रॉ मटेरियल का खर्चा रिसर्च के लिए, या फिर जगह का भाड़ा। तो बोला अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला बात तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज और सर्टिफाइड होना चाहिए। तो बिजनेस चालू होने के 3 साल पहले तक जो खर्चा किया शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो परचेज ऑफ मटेरियल एंड सैलरी टू एम्प्लॉय एंगेज इन द रिसर्च, दो ही चीज का बात किया है, सैलरी और परचेज ऑफ मटेरियल, ये दोनों खर्चा का। मेरा मान लो रिसर्च कंप्लीट हुआ 2023-24 में, तो उसके 3 साल पहले क्या हुआ, 22-23, 21-22 और 20-21, ये 3 साल में। अब उसके और पहले करेगा उसको भूल जाओ,
ये तीन साल में जिस दिन रिसर्च सक्सेसफुल हुआ उसके ठीक पिछले तीन साल का खर्चा अब करंट ईयर में तुम क्लेम करो, करंट ईयर में तुम क्लेम करो। तो बिजनेस चालू होने के बाद अब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पर रिसर्च हो रहा है वो तो जितना एवरी ईयर रेवेन्यू खर्चा लग रहा है पूरा क्लेम कर लो। बिजनेस चालू होने के पहले का जो खर्चा लगा है पिछले तीन साल में जो भी खर्चा लगा बिजनेस चालू होने के पहले पहले सैलरी और मटेरियल के ऊपर रिसर्च के लिए वो पूरा इस साल क्लेम कर लो। इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम कर लो। आई होप ये क्लियर है एकदम। नेक्स्ट बोला आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा, अदर देन लैंड का बात होगा। तो सर अदर देन लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या हुआ? बहुत सिंपल बात है बेटा, मशीन बिल्डिंग लैंड बना किया, बिल्डिंग तो ठीक है, तो बिल्डिंग मशीन बड़ा बड़ा इक्विपमेंट्स ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक यूनिट टू बिजनेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 100%। जितना तुम बिजनेस चालू होने के बाद आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तुम जितना भी खर्चा कर रहे हो वो 100% अलाउड होगा एज एन एक्सपेंडिचर। और सर बिजनेस चालू होने के पहले कुछ हुआ था तो वही सेम रूल, लैंड छोड़ के कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो ड्यूरिंग 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड इन द ईयर इन विच बिजनेस कमेंस एंड अलाउ अ डिडक्शन इन दैट। यानी सर सिंपल ही तो रूल हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो इन हाउस, आई रिपीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो इन हाउस, अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो फिर जितना खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू हो या कैपिटल आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फुल्ली ईयर फुल्ली डिडक्शन मिल जाएगा जिस ईयर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस चालू होने के पहले तीन साल पहले तक जितना खर्चा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो ही आइटम सैलरी और मटेरियल और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अदर देन लैंड वो मिल जाएगा पूरा छूट इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर वो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है तो कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। हम पहले ही बोला था मेरा बिजनेस है मेडिसिन का और हम कलर पे रिसर्च करवा रहे हैं नहीं मिलेगा छूट। तो इसका चार्ट बना के दे दिया। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिफोर या कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिफोर अदर देन लैंड तो सर पिछला तीन साल में जो खर्चा हुआ यहाँ पे भी सैलरी एंड नॉट परक्यूजिट ओनली सैलरी एंड मटेरियल का खर्चा, परक्यूजिट दे जा रहे साइंटिस्ट लोग को वो नहीं। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो जिस ईयर जितना खर्चा कर रहे हैं वो पूरा छूट मिल जाएगा। अच्छा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पे मटेरियल और सैलरी का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ बिफोर कमेंसमेंट पे है। आफ्टर कमेंसमेंट में जो भी खर्चा करो सारा मिल जाएगा, यानी परक्यूजिट भी हाँ अदर खर्चा भी हाँ। आई होप ये क्लियर है। आई होप ये पूरा क्लियर है। अच्छा कुछ और कंडीशंस रखा है, कुछ सर्टेन कंपनीज है जिनके लिए इन हाउस एक्सपेंडिचर का कुछ अलग क्राइटेरिया है, कुछ सर्टेन कंपनीज है जिनके लिए इन हाउस एक्सपेंडिचर का पूरा छूट नहीं है, कुछ और है। तो बोला जो लोग बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व्ड है और एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, तो जो लोग मैन्युफैक्चरर है या बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है। तो सर ऊपर कौन लोग थे देख लो एक बार, ऊपर कौन लोग थे? एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी या अप्लाइड साइंस, इसी को अप्लाइड साइंस बोलते हैं। तो अगर इनमें इन्वॉल्व हो तो ये कंडीशन। लेकिन अगर कोई बिजनेस बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च करवा रहे हैं
या फिर एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग नॉर्मल सामान तो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च डेवलपिंग मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी खर्चा कर रहे एनी एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड ऑन इन एंड इनकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड लैंड यहाँ पे कहीं पे भी अलाउड नहीं सीधा सा बात या फिर कोई डेवलपमेंट फैसिलिटी का काम कर रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च से अप्रूव्ड होना चाहिए क्या क्या कंडीशन है पहला बात वो डेवलपमेंट कर रहा है कोई बायोटेक्नोलॉजी या कोई आर्टिकल या थिंग का जिसको सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से अप्रूवल मिला हुआ है एसएससी को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा उस प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के साथ ये फालतू ज्ञान का तीनों का तीनों ये कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड कुछ खास नहीं है छूट कितना मिलेगा वो देखो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड यहाँ पे कोई बंटवारा नहीं किया तीन साल का ये वो बोला 100% अलाउड आई होप ये क्लियर है ऊपर वाला में क्या बोला था रेवेन्यू में आफ्टर है तो फुल कैपिटल में आफ्टर है तो लैंड बिल्डिंग छोड़ के फुल बिफोर है तो तीन साल पहले तक जो खर्चा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से उतना ही मिलेगा बट यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा तीन साल का इनका तीन का यहाँ बोला पूरा छूट मिल जाएगा कैपिटल हो या रेवेन्यू आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर है आ रहे हैं आज के लास्ट टॉपिक पे रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूट सर अगर हम बाहर से कोई रिसर्च करा रहे हैं मतलब कोई लेबोरेटरी है जिनका काम ही है रिसर्च करना कोई यूनिवर्सिटी है कॉलेज है जिनका काम ही है रिसर्च वर्क करना उनको बोला डिडक्शन एट द रेट 100% शैल बी अलाउड जितना हम उनको एक्सपेंडिचर दे रहे हैं पूरा अलाउड हो जाएगा किसको किसको बोला एनी पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और एनी स्पेसिफाइड पर्सन जिसको गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया जिनका काम है साइंटिफिक रिसर्च करने का एनी पेमेंट मेड टू नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन जिनका काम है रिसर्च करने का तो ऊपर बोला नेशनल लेबोरेटरी IIT यहाँ बोला एनी इंस्टीट्यूट जिनका काम है इनका काम है रिसर्च करने का एनी पेमेंट टू अप्रूव्ड इंडियन कंपनी जिनका मेन ऑब्जेक्ट है साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इंडियन कंपनी है कंपनी तो ऊपर बोला IIT या नेशनल लेबोरेटरी फिर बोला एनी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बोला एनी पेमेंट मेड टू नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी वो ये ज्ञान दे दिया सेम जिनका काम है स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी करना सिंपल बोले नेशनल लेबोरेटरी IIT या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड नॉर्मल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस एंड सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल या फिर कोई इंडियन कंपनी जिनका काम है रिसर्च करना उनको तुम जितना दे रहे हो 100% तुमको छूट मिल जाए अब यहाँ एक बहुत मजेदार पॉइंट है आज का लास्ट पॉइंट है ऊपर जो तुम इन हाउस रिसर्च पढ़े थे वो अगर अदर देन योर बिजनेस है तो क्या कोई छूट मिलने वाला था क्या बोलो तुम्हारा बिजनेस छोड़ के कोई और चीज के लिए तुम इन हाउस रिसर्च करते हो तुम्हारा जिस चीज का बिजनेस है उसको छोड़ के तुम कोई और चीज के लिए इन हाउस रिसर्च करते हो तो तुमको कुछ भी छूट मिलने वाला था क्या चंद्रले का कोई छूट मिलने वाला था क्या नहीं लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो तुम आउटसाइड डोनेशन दे रहे हो वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट
whether related to business or not. तुम नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई भी सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल का भी रिसर्च गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जिनका काम है डेटा का रिसर्च करना, स्टैटिस्टिकल माने डेटा का रिसर्च, कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर रहा, डेटा रिसर्च कर, उनको भी डोनेट करो, या कोई इंडियन कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनको तुम डोनेशन देते हो, फिर चाहे वो तुम अपने बिजनेस का कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल के दे रहे हो, या अपने लिए कोई रिसर्च करने बोल के दे रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट से कोई कनेक्टेड के लिए नहीं दे रहे हो, ऐसे ही दे रहे हो, तो भी छूट मिल जाए। यही मेन पॉइंट। हाँ, लेकिन एक बात है, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट को तुम दे रहे हो पैसा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन से नोटिफाइड होना चाहिए। ऐसे ही किसी को दे दिया और बाद में पता चला वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, तो भूल जाना, कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात है, हम डोनेशन दिया, ये बहुत मजेदार आंसर है, करना, हम डोनेशन दे दिया और अब गवर्नमेंट उससे अप्रूवल ले लिया, मेरे डोनेशन देने के बाद गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अप्रूवल वापस ले लिया, क्या मेरा डोनेशन अब छूट मिलने लायक होगा कि नहीं मिलेगा हमको छूट? मेरा जो डोनेशन देने के बाद उसका अप्रूवल छीन लिया गया। अंकिता बोल रही है, ठीक है, चंद्रलेखा तुम बोलो, क्या लगता है तुमको, हम डोनेशन दिया और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वापस ले लिया, क्या मेरे को छूट मिलेगा कि मेरे को छूट नहीं मिलेगा? चंद्रलेखा बोल रही है नहीं मिलेगा, अंकिता बोल रही है मिलेगा। अंकिता, यू आर राइट, मिलेगा। बेटा जी, मेरा क्या गलती है बताओ, गवर्नमेंट अप्रूवल दे रखा था, हम डोनेशन दे दिया उसको, अब 2 महीना बाद ही गवर्नमेंट अप्रूवल वापस ले लिया, मेरा क्या गलती है इसमें? मेरा तो इसमें कोई ब्लंडर नहीं है, तो मेरे को तो छूट मिलेगा। हाँ, उसके बाद दोबारा डोनेशन दोगे तो नहीं मिले, तुम्हारे डोनेशन देने के बाद अप्रूवल छीना गया, तो तुम जो अब तक डोनेशन दियो उसका छूट मिलेगा भी। तो यहाँ पे बोला, देखो, रिडक्शन शैल नॉट बी डिनाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट सब्सिक्वेंट टू द पेमेंट अप्रूव ग्रांटेड हैज बीन विथड्रॉन। अच्छा सर, ये रिसर्च में हम पैसा दिए और मेरा बहुत लॉसेज हुआ इस साल बिजनेस में, कोई बात नहीं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेना, वो भी अनलिमिटेड ईयर्स में, अनएब्जॉर्ब डेप्री की तरह ये भी अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो, मेरा बिजनेस किसी और बिजनेस के साथ अमालगमेट हो गया, तो उस अमालगमेटिंग कंपनी को भी ये डिडक्शन कैरी ऑन करने मिल जाए। हम डोनेशन दिया और मेरा बिजनेस किसी और में मर्ज हो गया, तो ऑब्वियस बात है जिस बिजनेस में मर्ज हुआ है उसको डिडक्शन लेने का हक रहेगा। ये था साइंटिफिक रिसर्च। हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट लिया, अच्छा टॉपिक है, 2 मिनट का और है, हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक एसेट खरीदा था और उस एसेट को बेच दिया बिना साइंटिफिक पर्पस के यूज किए, तो क्या होगा? सर, आपका वो कॉस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और थोड़ा यूज करने के बाद बेचा तो सर, जितना आप यूज कर लिए उतना का ब्लॉक ऑफ डेप्रिसिएशन, ब्लॉक वैल्यू आपको छूट मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ ब्लॉक वैल्यू आपका नॉर्मल बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा, उसका आपको कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं मिलेगा। तो ये जानबाजी था, आई थिंक साइंटिफिक रिसर्च खत्म। नेक्स्ट क्लास में आएगा सबसे गजब का टॉपिक, अब 2 या 3 ही बड़ा टॉपिक बचा है बेटा, बाकी बड़े टॉपिक खत्म, बहुत बड़ा टॉपिक आएगा 35 AD, बहुत काम का टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।